तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, और आपको बता दें कि पीएम मोदी के आने के एक दिन पहले ही पूरे क्षेत्र को बहुत खूबसूरती के साथ सजा दिया गया था। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको ये भी बता दें कि करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। मेरठ के सरधना कस्बे कैली गांव में ये स्थापित की जा रही है। इतनी देर से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, किसी को भी निराश नहीं करते। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्हें और बेहतर करने का मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। तो फिट इंडिया का नमो मंत्र भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने से पहले जो वहां पर स्टॉल लगे हुए हैं उन तमाम लोगों से बात करते हुए, उन स्टॉल्स के पास जाकर तमाम चीजों का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी। आपको यह भी बता दें कि 32 इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है, उनके साथ भी संवाद करेंगे वो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वहां मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के संबोधन का। जिस स्टॉल पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं आप देख सकते हैं उस उत्पाद के चेहरे पर कितनी व्यायाम करने की ये मशीन जो शरीर को फिट करती है, तंदुरुस्त करती है, उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय देख रहे हैं। तो पीएम मोदी ने व्यायाम करने की मशीन पर भी हाथ आजमाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे स्टॉल्स हैं और तमाम लोगों के पास जाकर और उनसे बात करते हुए चीजों के बारे में जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरठ से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फिट इंडिया का नमो मंत्र देख सकते हैं आप। फिट इंडिया की मिसाल व्यायाम करने की ये मशीन। तो देखिए कई सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर, और तमाम स्टॉल्स पर अलग अलग लोगों से बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय देख रहे नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग यहां पहुंचे हुए हैं उन्हें संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको यह भी बता दें कि उसके बाद एक और उनका खास कार्यक्रम है, 32 इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी का संवाद है। ये बहुत ही खास योजना है, लगभग 700 करोड़ रुपए की इस यूनिवर्सिटी में लागत आनी है, जिसे आज शिलान्यास करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। खेल भले ही परंपरागत हो लेकिन उसकी सामग्री आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल करके बनाई जा रही है। तो सड़क मार्ग के रास्ते प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं मेरठ, और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग इंतजार करते हुए उनका नजर आए। और ये देखिए दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, बड़ा हुजूम जो यहाँ पहले से ही पहुंचा हुआ है, कई घंटे से तमाम लोग पहुंच कर इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बेशक आपको यहाँ मास्क और सैनिटाइजर नजर नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने, जो हमारी रिपोर्टर ने हमें जानकारी दी कि ज्यादातर लोग जब एंटर कर रहे थे तो वहाँ पर मास्क एंड सैनिटाइजर सबको दिया जा रहा था। और युवा शक्ति विशेष रूप बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब अपना भविष्य भी तलाश रही है और खेल कूद के माध्यम इंडिया की मिसाल व्यायाम करने की ये मशीन जो शरीर को फिट करती और चले इन्हीं तस्वीरों के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक। महोदय देख रहे हैं आज तक।